बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुस्तरद जी टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यकीनन मेरे व्यूअर्स जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जी का सालन, आलू शिमला की मिर्च। तो मैंने आलूओं को ऐसे चॉप कर लिया बारीक बारीक, और ये शिमला की मिर्च चूज कर ली है। इसमें ज्यादा इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ये मैंने लहसुन को चॉप किया है, पेस्ट नहीं बनाया। ये सूखा धनिया, ये हल्दी, ये नमक, और ये जीरा, और ये साबुत मिर्च ग्राइंड की हुई हुई, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। प्याजों को मैंने चॉप कर लिया है और मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ। प्याज ऑयल में डाल दिए, इनको मैं फ्राई करूंगी थोड़ी देर, विद इन 2 मिनट्स। उसके बाद लहसुन और आलू जो हमने चॉप किए हैं वो मैं इसमें डालती हूँ। गैस प्याज 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ हद से जरूरत। इसमें मैं चॉप किया हुआ आलू डाल रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ऐसे ही। यस हद से जरूरत नमक ऐड कर रही हूँ, सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। जस्ट 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ये साबुत की सुरखी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। शिमला की मिर्च डाल रही हूँ। यह 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ, और मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी ताकि प्यूरी मुकम्मल तौर पर पक जाए। यस 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद अच्छी तरीके से भून लिया इसको। हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपेयर है। मैं अपने व्यूअर्स को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स हमारा सालन तैयार है, आलू शिमले की मिर्च का सालन हमने प्रिपेयर कर लिया है, और बहुत ही टेस्टी जमी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा। मेरे व्यूअर्स चाह रहे हैं खुश रहें, और आप मेरे चैनल को मुस्तरद जी टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुस्तरद जी टीवी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।